लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के दौरान मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री कमल पटेल और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने अपने पोते और बेटे के साथ वोट डाला था। इस पर चुनाव आयोग कार्रवाई करने की तैयारी में है। आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर इन दोनों नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में बीती 7 मई को मध्य प्रदेश में 9 संसदीय क्षेत्रों में मतदान हुआ था। तीसरे चरण के मतदान के दौरान पूर्व मंत्री कमल पटेल ने हरदा में पोते के साथ वोट डाला था। उन्होंने इसका फोटो सोशल मीडिया पर भी शेयर किया था। वहीं कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद भी बेटे को ईवीएम तक ले गए थे। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कहा कि अब चुनाव आयोग पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पर कार्यवाही करेगा। एक एक तस्वीर आई थी, एक वीडियो आया था, नाम मुझे नहीं, हाँ विनय मेहर जिला पंचायत के सदस्य हैं भोपाल के, जिनमें बच्चे ने वोट डालता, आप ही लोगों ने आपने भी देखा होगा, उसमें कार्रवाई हुई है। एक तस्वीर जो अभी आपने बताया पूर्व मंत्री जो कमल पटेल जी की है, एक तस्वीर आरिफ मसूद जी की है, इन दोनों पर भी कार्रवाई हो रही है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।